आपको स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज़ में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। झंडा सशस्त्र दिवस से पूर्व भूतपूर्व सैनिकों व रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हुई 6 लाख रुपए की राशि एकत्रित। प्रशासनिक अधिकारियों को लगाए गए बैच, हुआ सम्मान। अतिवृष्टि से हुई बर्बाद फसल की मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिलने से परेशान किसान पहुंचे जिला मुख्यालय। अधिकारियों ने दिया आश्वासन। और अहिरवार समाज के वृद्ध आए जिला मुख्यालय। 5.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों से हैं परेशान। कलेक्टर से की न्याय की मांग। झंडा सशस्त्र दिवस के पूर्व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को बैच लगाए गए और उनका सम्मान हुआ एवं सैनिकों के परिजनों के लिए 6 लाख से अधिक की राशि एकत्रित की गई, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी का भी योगदान रहा। वहीं कलेक्ट्रेट में पदस्थ उदय सिंह हजारी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक राशि एकत्रित हुई है। भोपाल संभाग में विदिशा प्रथम नंबर पर है। इसी अपेक्षा के साथ हमारे जो एनसीसी के छात्र छात्र हैं आपको बैच लगाएंगे और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आपको बड़े पुनीत मार्ग के कार्य में खर्च होती है, जैसे कि शहीदों की विधवाओं की सहायता, उनके बच्चों की अपंगता की सहायता, उनकी विवाह की, उनकी शिक्षा की, ऐसे पुनीत कार्य पर ये राशि खर्च की जाती है। इसमें हम सब बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। क्या है जो सेना है हमारी और जो सेना सीमा पर हमारे वीर शहीद सैनिक हो जाते हैं उनके परिवार की जरूरतों के लिए राशि एकत्र की जाती है। इसमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस के जो बैजेस वगैरह हैं और कूपन्स वगैरह, ये हम आम नागरिकों को देकर हम अधिकारी कर्मचारी भी इसमें सहयोग करते हैं और वो राशि एकत्रित की जाती है। इसके लिए संभाग से एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है जिलों के लिए, जिसमें विदिशा जिले को इस साल 5,82,000 रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी और आमजन के सहयोग से हमने 6,08,000 रुपये की राशि एकत्रित की और सेना मुख्यालय को भेजी है। और इस राशि से जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवार की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, शादी विवाह है, उपचार है और भी जो अन्य जरूरतें, वो पूरा किया जाता है। पिछले साल जो थी हमारा टारगेट, हम 2nd नंबर पर थे, इस साल हमारा विदिशा जिला टॉप पे है, प्रथम स्थान पर है। आज TL मीटिंग के दौरान सभी उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आज TL मीटिंग में इनको बैज लगाए गए। इस अवसर पर हमारे कलेक्टर एवं जिला सोसाइटी के अध्यक्ष श्री उमाशंकर भार्गव जी, जिला पंचायत CEO श्री योगेश भरसक साहब और ADM श्री वृंदावन सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आरती यादव सहित जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्हें बैज लगाकर सम्मान किया। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक दूर दराज से आए थे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को जानकर निराकृत किया। 42 को नए आवेदन आपको CCL के लगाने कुरवाई तहसील की ग्राम मुड़री से बड़ी संख्या में किसान जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पिछले समय में अतिवृष्टि से उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी और अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिलने से वह परेशान है। अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन मिला है। कुरवाई मुड़री क्या समस्या आपकी?
वही अपने बेतबा की बाढ़ से जो हुआ नुकसान उसके मुआवजा ना मिलने के कारण एडीएम तहसीलदार पटवारी सबके यहाँ चक्कर काट ले, एक बार कलेक्टर साहब के यहाँ आए, आज दोबारा भी आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं अभी? देखते हैं कार्रवाई करते हैं, हम भेजते हैं एडीएम मैडम को, उनसे मिलो और इनसे मिलो। हम घनश्याम ठाकुर, ग्राम मूड़री, टेंकू पंचायत, कुरवाई तहसील। क्या समस्या है? जो 23 अगस्त में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी बेतवा नदी की, तो उसमें हमारी सारी फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन जो अधिकारी हैं पटवारी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ नल्ले की बाढ़ आई थी, लेकिन 21, 22, 23 तारीख में वहाँ पर पानी भी नहीं गिरा था। और जो आजू बाजू के गांव हैं उनमें जैसे नावकुंड है, कांकर है, दोनों गाँव में मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन हम लोगों को मुआवजा से वंचित कर दिया है। हम लोग कम से कम 2 महीने से यहाँ पर जे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग किसान हैं सब, हम ऐसे प्रभावित हुए थे जी। कितने किसान प्रभावित हुए? एक किसान हुई, एक गांव, एक गांव। हमारा पूरे गांव के पूरे किसान, जो लोग पूरे मतलब मेड़ा है ना, आखिरी में जाके वहां पे पानी लगा था। सनातन श्री हिंदू समिति के सदस्य रघुवीर चौहान के जन्मदिन पर गोपाल श्री कृष्ण गौशाला में गायों को हरा घास खिलाकर धर्म का लाभ लिया गया। हिंदू समिति सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमें क्यों मनाते हैं, क्या वजह है इसकी? गौशाला में मेरा जन्म इसलिए मनाता हूं कि गौ माता आज से समझो कि 7500 साल पहले गौ माता ही अन्न पैदा करती थी और सभी जाति धर्म के लोग अन्न खाते थे। गौ माता एक मतलब गौ की सेवा करना एक बहुत ही पुण्य तो धर्म का काम है और सभी जाति सभी धर्मों के लिए यहाँ पर मतलब आकर और अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। और जहाँ पर किन का जन्मदिन मनाया है? आज ये गोपाल कृष्ण गौशाला बैतरवती तट पे है और यहाँ पर हमारे समाज सेवी और सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा फल विक्रेता और समाज सेवी श्री रघुवीर सिंह चौहान जी का आज जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। और प्रतिवर्ष वे परम्परागत रूप से यहाँ 13 दिसंबर को उनका जन्मदिन रहता है, वे यहाँ जन्मदिन मनाने आते हैं। गायों को गाय की घास की व्यवस्था और गौग्रास की पूरी व्यवस्था उनकी ओर से रहती है और ये पुण्य आयोजन पर हमेशा वे आते ही हैं, साथ में उनके परिजन भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गौग्रास सेवा परिवार की ओर से आज यहाँ गौग्रास की व्यवस्था करी गई है। तो वे हमारी ये इस गौशाला में गौ माताओं के लिए रघुवीर सिंह चौहान जी को गौ माताओं की ओर से आशीर्वाद मिले और उनको मैं जन्मदिन की मंगलमय बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि प्रभु उनको दीर्घायु करे। कुरवाई तहसील के महलुआ चौराहे से हरवार समाज के वृद्ध जिला प्रशासन के पास आए जहाँ उन्होंने अपनी आपबीती कलेक्टर शंकर भार्गव को सुनाई। उन्होंने बताया कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे के भाई पंचमलाल सप्रे ने करीब 5.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। रोकने टोकने पर गरीबों के साथ मारपीट की जाती है। कलेक्टर शंकर भार्गव ने तत्काल संबंधित अधिकारी से चर्चा कर शीघ्र जमीन वापस दिलाने की बात कही है। नहीं बट इसको चेक करा भाई, ये अनुसूचित जाति की महिला है और गरीब बेचारी है, इसको दादा जी से कुछ खुल के कब्जा करेगा? ये कौन सरकार देगी? हम सुनवाएंगे। हाँ ये वो मैं महलुआ चौराहा से। किस लिए आए थे, क्या समस्या आ रही है? और मेरी जमीन की समस्या आ रहा था। क्या है पूरी बात बताइए? पूरी ये है कि जबरन कब्जा करें पंचम सत्र, हम लोग जा नहीं पाए, मानने की धमकी दे रहे हैं कि जान संभाल। कौन किसने किया है कब्जा? पंचम सत्र है कुरवाई। कौन है ये खटीक? कौन है, कोई राजनीतिक है, क्या है? हाँ इनमें वो इनके भैया विधायक है कोई। कौन है विधायक? हरी सप्रे। उनके मारे में सब पुलिस डर आती है, सब महकमा डरता है, हम भी डर जाते हैं। तो आपकी कितनी जमीन है? 5.5 बीघा है। कितने वर्षों से परेशान हो रहे हैं आप? मैं 3 साल से परेशान, मेरा टपरा डरो तो वही मचा दिया था मशीन से। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? कई बार, अभी दे गया, 1 महीना पहले से। परिवार में कौन कौन है आपके? और मैं घर वाली, एक लड़का। कौन समाज है आप? मैं चमार समाज।
दवाई। जसू भाई कहाँ रहती हैं आप? मैं लुगा चौरा तहसील करवाई। क्या हुआ आप यहाँ पे आई हैं? जमीन के बदतल आए। कितनी जमीन है आपकी? 5.5 बीघा। कौन कब्जा कर रहा है? पंचम सप्रे। कौन है ये पंचम सप्रे? विधायक को भैया। विधायक कौन है? हरी सप्रे। कौन सी तहसील की? तहसील करवाई। जमीन कहाँ है आपकी? मेलुगा चौरा। काय की जमीन है? पट्टे की। तो अब क्या किस तरीके से परेशान कर रहा है वो? बहुत हम जा ही नहीं पा रहे साहब, हमारे पुलिस लगा देता है, कहूँ जीवे चढ़वा देता है, कछु हम नहीं जा पा रहे, वही कब्जा करें। आप दोनों के अलावा और कौन कौन है आपके घर में? एक लड़का है हमारा। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 40 साल की उम्र हो गई। अभी कलेक्टर साहब से मिले, क्या बात कही उन्होंने? वो यही बताई थी उनने के कब्जा करवाएंगे थे। कब्जा हटवाएंगे? आज मंगलवार के दिन प्रातः से ही बदली छाने पर तेज बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई, वहीं सर्दी बढ़ने के आसार बन रहे हैं। प्रातः से ही दिन भर बदली छाई हुई रही। बंटी नगर क्षेत्र निवासी मलखान सिंह दांगी पिता निरन सिंह दांगी 6 दिसंबर से लापता है। करैया खेड़ा रोड स्थित महादेव फिटनेस से गायब है। उम्र लगभग 37 वर्ष है और 1 7-वर्षीय बच्ची का पिता भी है। घर के परिजन परेशान हैं। पता देने वाले को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 9039946135 और 9977056754। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि संयम टी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।